हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, उनके बेसिस पर हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते, अपना फॉर्मेट बना ले थोड़ा सा। ठीक है जी, आइए। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देखें, अगर हमें स्टार्ट करना है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना होता है, पर इस क्वेश्चन में देखें क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें दे रखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, यानी इस प्रॉफिट में से ये चीजें कंसीडर हुई है। क्या क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जहां पे ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेएबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो आपको देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा हूं, आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, आइए जी, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? हमारे पास प्रॉफिट है जी 2,50,000 का। अब जो 2,50,000 का प्रॉफिट है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स है, और एडजस्टमेंट कौन सी है? वो है नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो आपको पता है, जैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान के ही चल लो, और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनको एडजस्ट करेंगे। तो अगला हम काम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी प्लस माइनस कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स के लिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। आइए देखिए क्या क्या आइटम्स हैं। डेप्रिसिएशन है, देखो नॉन कैश आइटम है, तो ये माइनस हुआ होगा पीएनएल में जब जाके प्रॉफिट आया होगा, तो कैश तो गया ही नहीं, एड बैक कर दो इसको, क्योंकि कैश नहीं गया तो रिवर्स कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस डेप्रिसिएशन, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, लिखूं क्या? ऑन फिक्स एसेट शॉर्ट में लिख देता हूं। कितना है जी? ये 10,000 रुपीज है। इसके बाद हमारे पास देखें क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। सेम भाई, टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये भी माइनस हुआ था, बट इसके कारण कोई कैश तो गया नहीं, नॉन कैश आइटम है तो कैश का फ्लो तो कम हुआ नहीं, तो इसे रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे? पीएनएल में ये माइनस हुआ था, डेबिट हुआ था, तो अब इसे रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल अमोर्टाइज किया आपने कितने का? 5,000 का, 5,000 रुपीज। देन हमारे पास आता है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, मशीनरी आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वहां होने वाला नुकसान हमारे लिए तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसे भी ऑपरेटिंग नहीं है बट पीएनएल में माइनस हुआ था, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पीएनएल में माइनस मतलब एक्सपेंस की तरह दिखा था, लॉस की तरह दिखा था, तो इसे भी प्लस कर देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितना है अमाउंट? 7,000 रुपीज है, इसे भी एड बैक कर देते हैं। इसके बाद है डी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ये प्रॉफिट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, हमारे यहां प्लस हो रखा है, प्रॉफिट में प्लस हो रखा है, हमें निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट नहीं है तो हटाओ इसे हमारे प्रॉफिट में से, ऊपर वाला जो प्रॉफिट है इसमें जुड़ा हुआ है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन के बिकने से प्रॉफिट हुआ कितना? 3,000 का, इसे माइनस करना है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई निकल कर, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम कहेंगे सॉरी, हाँ जी, इसे हम क्या कहेंगे? ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चेंज इन
वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में चेंज आने से पहले का प्रॉफिट आ गया इन, मैं भूल गया था लिख देता हूं इन, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ गया जी मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 2,50,000 में 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 माइनस 3,000 करके बताइए कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 2,69,000, 2,69,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें हमें वर्किंग कैपिटल का चेंज माइनस करना है, तो आइए वर्किंग कैपिटल चेंज को माइनस करने के लिए आए आगे, ये लीजिए एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, आइए जी। तो अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करने हैं, तो हम एडजस्ट करते हैं प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का मतलब क्या है जी, करंट एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंज आए हैं उनका एडजस्टमेंट, अगर उनके कारण कैश आया होगा तो प्लस कर देना, कैश नहीं आया होगा तो माइनस कर देना, या कैश गया होगा तो भी माइनस कर देना, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट हमने आपको याद करवाया था, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो देख लो, ये है करंट एसेट्स के लिए और करंट लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, या मैं यहां बता देता हूं इंक्रीज वाला, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो क्या करेंगे आप जी, करंट एसेट इंक्रीज हुई है तो पैसा ब्लॉक हुआ होगा, माइनस कर देना, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं तो पैसा आपको नहीं देना पड़ा होगा, तो पैसा बच गया होगा, तो उसे आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुई होंगी तो पैसा आ गया होगा, प्लस कर देना, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हुई है तो पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा, माइनस कर देना। ये शॉर्टकट है जो बच्चे रट लेते हैं, वैसे मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप इस तरीके से करें, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमें लंबे वाला समझने वाला तरीका नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है, हमें तो ऐसे ही करना है, तो उनके लिए मैंने ये तरीका बता दिया है, ठीक है। चलिए जी आगे चलें, इसके बाद हम तो वन बाय वन देखें क्या क्या है हमारे पास है। ट्रेड रिसीवेबल देखिए, ट्रेड रिसीवेबल 22,000 से 23,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं तो पैसा ब्लॉक हो गया होगा ना, पैसा आया नहीं, तो क्या करो माइनस कर दो, कितना हुआ है 1,000 रुपीज नेगेटिव है, तो चलो रेड से मार्क कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, ये लो ताकि आपको याद रहे माइनस करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आइटम पर, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 15,000 से घटकर 10,000 के रह गए हैं, यानी पेमेंट कर दिया होगा 5,000 का, तो ये क्या हुआ होगा माइनस, ठीक है। चलिए तो ये भी माइनस होगा, ये क्या है जी डिक्रीज, देख लो आप डिक्रीज हुआ है तो माइनस करवा रहा हूं, वहां करंट एसेट में डिक्री इंक्रीज हुआ था तो भी माइनस करवाया था, तो सेम यही आपका, आप कह सकते हैं ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, बट मुझे डर लगता है शॉर्टकट से कि बच्चा बगैर समझे ना अप्लाई कर दे, गलत हो सकता है काफी बार, अगर बगैर समझे अप्लाई किया, समझ के अप्लाई कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। चलिए सो डिक्रीज सॉरी हाँ जी डिक्रीज एक मिनट बेटा, हाँ डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में डिक्रीज आया है, पेबल में कितने का डिक्रीज है, 5,000 रुपए का, ठीक है। तो ये भी माइनस हुआ है तो रेड साइन लगा देते हैं, ये लो जी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से घट के 4,000 के हो गए हैं, इसका बेनिफिट मिल गया होगा आपको, डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर समझ नहीं आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस ज्यादा अच्छे से, तो आप इसे डेटर की तरह ट्रीट करके चलो, करंट एसेट की तरह ट्रीट करके चलो, कि करंट एसेट कम हो गया है, यानी उसका आपका बेनिफिट मिल गया होगा, कैश मिल गया होगा, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस करें आइए, प्लस डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है जी इसका, ये अमाउंट है 2,000 रुपए का, चलिए जी
ठीक है, अब हो गया हमारा। अब इसे आप टोटल निकाल लीजिए, 269,000 में से आप माइनस कीजिए 1,000 और ये 5,000, यानी 6,000 माइनस कर दीजिए, 2,000 प्लस कर दीजिए, या आप ऐसे कह लीजिए नेट नेट 4,000 माइनस कर दीजिए। तो 4,000 माइनस करेंगे टोटल में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आएगा 2,65,000। ये जो आया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए जी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप चाहें तो मैं इसे सारे को क्वेश्चन को एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये लीजिए पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं एक बार आपको। ये लीजिए, अब ठीक है, आई होप अब पूरा आ गया होगा क्वेश्चन का, है ना। चलिए जी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम।